Hello everyone, I am Mithanjali Patnaik. I am a science teacher. Hope you all are fit and fine. Dear students, we know that due to corona pandemic, the whole country has locked down itself. So, we started online classes to continue our study. I welcome all of you to our online class. Today, in this class, we are going to discuss about chapter 4 from the NCRT science book of classics that is sorting materials into group by the end of this chapter you will be able to explain about the materials which are used for making different objects list out the properties of materials identify the transparent opaque and translucent materials discuss the states of materials identify the objects which will float and sink in water find, find out soluble and insoluble substances illustrate the miscible and immiscible liquids so let's start the chapter the first topic of this chapter that is objects around us we saw that our food and clothes have so much variety in them Not नॉट जस्ट फूड एंड क्लाथेस देर इज सच ए भास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरी हुएर वी सी अराउंड ऑर्स ए चेयर एबुलट ए साइकल कुकिंग यूटेंसिल बुक्स क्लॉथेस टॉयस वाटर स्टोन्स एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट सेप्स कलर्स एंड यूजेस जैसे कि हमारे फूड के और क्लॉथेस में बहुत सारे वेराइटीज़ होते हैं बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ़ फ़ूड हम खाते हैं बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ क्लॉथेस हम पहनते हैं तो ऐसा नहीं है कि नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथेस हमारे फूड और क्लॉथेस में वैरायटी नहीं है हमारे चारों तरफ जो हम देखते हैं बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि चेयर बुलबकाट साइकिल कुकिंग यूटेंसिल्स बुक्स क्लॉथेस टॉय ये सब होते हैं और ये सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट शेप के होते हैं डिफरेंट कलर्स के होते हैं और उसका यूज जो की है वो भी अलग अलग होता है लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप सो अपने चारों तरफ देखो और जो जो राउंड शेप के ऑब्जेक्ट तुम लोगों को दिखते हैं उसका एक लिस्ट बनाओ सो आवर लिस्ट में इंक्लूड ए रबर बॉल ए फुटबॉल एंड ए ग्लास मार्बल तो हमारे लिस्ट में एक रबर बॉल आ सकता है एड फुट बॉल आ सकता है जो जो राउंड शेप के ऑब्जेक्ट्स वो सारे आ सकते हैं इफ़ ही इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड आवर लिस्ट वूड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल ऑरेंज एंड एंड आर्दन पिक्चर अगर हम लोगों को बोला जाएगा कि लिस्ट करो जो कि लगभग राउंड स्ट्रक्चर है उसमें इंक्लूड करो तो उसमें एप्पल ऑरेंज जो कि अर्दन पिक्चर ये सब आ जाएंगे सपोज वी आर लुकिंग फॉर द ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबुल अगर हम लोगों को बोला जाएगा जो एडिबल ऑब्जेक्ट्स हैं उसका एक लिस्ट बनाओ तो उसका एक बहुत बड़ा लिस्ट हम बना सकते हैं चैप्टर वन में इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़े हैं चैप्टर वन में जो टेबल वन पॉइंट वन वन पॉइंट टू वन पॉइंट थ्री ये सब में जो सारे डिशेज के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे वो सारे इस में आ जाएंगे वी माइट ऑल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दिज आर राउंड शेप ऑब्जेक्ट्स वी जस्ट लिस्टेड आउट आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप अभी कुछ देर पहले जो हम राउंड शेप के ऑब्जेक्ट जो किए उसका जो लिस्ट बनाए थे वो भी उसमें आ जाएंगे जैसे अपल ऑरेंज भी इसमें आ जाएंगे लेटर से वी विश टू मेक ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक सो अभी हम एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें कि वो सारे ऑब्जेक्ट को लेंगे जो कि प्लास्टिक का बनाया हुआ हो बॉकेट्स लंच बॉक्स टॉयस वाटर कंटेनर पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स में फाइंड ए प्लेस इन दिस ग्रुप तो इस ग्रुप में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आसेंगे आ जाएंगे जैसे कि बकेट लॉन्च बॉक्स टॉयस वाटर कंटेनर ये सब देर आर सो मेनी वेस्ट ग्रुप ऑब्जेक्ट्स इन द एब एग्जाम्पल वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देआर सेप एंड मेटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम तो ऐसे अगर हम करेंगे तो बहुत सारे ग्रुप हम बना सकते हैं जब भी जैसे कि अभी हम एक एग्जाम्पल डिस्कस किए पहले हम राउंड शेप के ऑब्जेक्ट को लेके उसका एक ग्रुप बनाए नेक्स्ट हम जो कि एडिबल ऑब्जेक्ट का लेके एक ग्रुप बनाए नेक्स्ट हम प्लास्टिक मटेरियल से बनाए हुआ ऑब्जेक्ट को लेके एक ग्रुप बनाए सो ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल दिस मटेरियल में बी ग्लास मेटल प्लास्टिक कॉटन पेपर मॉड और सॉइल सो हमारे चारों तरफ जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा मटेरियल से बना हुआ होता है दो मटेरियल्स में भी ग्लास मेटल, प्लास्टिक वुड कॉटन पेपर मॉड और सॉइल कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ लेट अस डिस्कस इट थ्रू एक्टिविटी वन लेटस्ट कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स इजिपल पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस इच ऑफ़ अस कुड गेट सम एवरीबॉडी एवरी डे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम और रूम आउटसाइड द स्कूल व्हाट विल इन अवर कलेक्शन चॉक पेंसिल नोटबुक रबर डस्टर हमार नेल शॉप स्पोक ऑफ ए हुईल बैट मैच बॉक्स सॉल्ट <coughs> potato वी कैन also लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक of बट कैन नॉट ब्रिंग इन the classroom द क्लासरूम फॉर trees वॉल ट्रीज डोर ट्रैक्टर तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे लिस्ट में आ गए नेक्स्ट सेपरेट ऑल द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड तो ये सारे ऑब्जेक्ट जो हम लिस्ट किए अभी हम क्या करेंगे सेपरेट ऑल द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप्स तो इसमें हम दो ग्रुप में डिवाइड कर दिए सारे ऑब्जेक्ट्स को जिसमें कि जो कि पेपर से बना हुआ ऑब्जेक्ट एक ग्रुप में आ जाएगा और वुड से बना है ऑब्जेक्ट अदर ग्रुप में आ जाएगा वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड अप मेड फ्रॉम पेपर और वूड वेल द अदर ग्रूप है ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मेड ऑफ दिज मेटेरियल्स सिमिलरली वी कूड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज फॉर प्रिपेरिंग फूड ऐसे हम बहुत तरह से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स हम बना सकते हैं लेटेस्ट बी ए लिटिल मोर सिस्टमेटिक लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल फोर पॉइंट वन ट्राई टू आइडेंटिफाई द मेटेरियल्स दैट ईच वन इज मेड अप इट वुड बी फॉन्न टू मेक दिस लार्ज टेबुल कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स इज पॉसिबल इट मे सिम डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द मेटेरियल्स आउट ऑफ हु ऑफ़ दिस ऑब्जेक्ट्स आर मेड इन सच केसेज डिस्कस विथ यीचर्स सो लेटेस्ट डिस्कस ए टेबुलट वन ऑब्जेक्ट्स एंड मेटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेट थाली थाली जो कि कौन से मेटेरियल से बन सकता है दैट में बी स्टील दैट मे बी ग्लास प्लास्टिक पेपर नेक्स्ट पेन पेन दैट में बी प्लास्टिक मेटल ऊट ऐसे हो सकता है तो ऐसे करके हम बहुत सारे जो कि ऑब्जेक्ट्स को इस टेबल में डाल सकते हैं और वो कौन से कौन से मेटेरियल से बन सकता है वो हम इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं नाउ लेट अस डिस्कस एक्टिविटी टू टेबुल फोर पॉइंट लिस्ट सम कॉमन मेटेरियल्स यू कैन ऑल्सो एड मोर मेटेरियल्स इन कलम वन दैट आर नोन टू यू नाउ ट्राई टू थिंक अप एवरी डे ऑब्जेक्ट यू नो दैट मेड देट आर मेड मेनली ऑफ दिज मेटेरियल्स एंड लिस्ट देम इन कलम टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स देट आर मेड फ्राम द सेम मेटेरियल्स तो यहाँ पर हम थोड़ा ग्रुप को अलग कर दिए हैं मेटेरियल्स को हम लिए हैं और उस मेटेरियल से कौन सा ऑब्जेक्ट बन सकता है वो सब हम लेंगे तो सबसे पहले वुड वुड से बनता है चेयर टेबल प्लाव ब्लग कट एंड इट्स व्हील्स वुड में और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी बन सकते हैं तो उसमें हम इंक्लूड भी कर सकते हैं नेक्स्ट है पेपर पेपर से बनता है बुक नोटबुक न्यूज पेपर टॉयज कैलेंडर्स एक्सेट्रा तो उसके बाद नेक्स्ट है लेदर प्लास्टिक कटन तो ये सारे जो कि है मटेरियल से ये मटेरियल से कौन से कौन से ऑब्जेक्ट बन सकते हैं ये तुम लोगों को सबको पता है तो तुम लोग उसको कंप्लीट करोगे सो टेबल फोर पॉइंट वन एंड फोर पॉइंट टू ये तुम लोगों को बुक बुक में जैसे दिया हुआ है टेबल वैसे टेबुल दे के कॉपी में करना है डू यू फाइंड फ्रॉम दिस टेबल्स फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मेनी डिफरेंट वेस वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मेनी डिफरेंट वेस We then found that objects around are made of different materials all times all objects is made of single material an object could also be made of many materials and then again one material could be used for making many different objects. What decide which materials should be used for making? एनी गिवहन ऑब्जेक्ट इट सीन्स डैट वी नीड टू नो ए मोर अबाउट डिफरेंट मेटेरियल्स तो ये जो टेबल फोर पॉइंट वन और टेबल फोर पॉइंट टू में हमें क्या कंक्लूजन मिला टेबल फोर पॉइंट वन में हम जो कि है ऑब्जेक्ट जो होते हैं कौन से कौन से मटेरियल से बन सकते हैं वो हम डिसाइड किए टेबल फोर में हम डिसाइड किए एक मेटेरियल लिए उसमें से क्या क्या ऑब्जेक्ट्स जो कि है हम बना सकते हैं तो <coughs> एक ऑब्जेक्ट्स जो कि है बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल से बन सकता है और एक मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं तो यहाँ पर जो कि है थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है तो टू गेट मोर क्लियर अबाउट दिस वी हैव टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स सो फॉर इन डिटेल्स वी हैव टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट टू in our next class we are we will discuss about the properties of material in details thank you